लोगों का डर कैसे खत्म किया जाए, लाइक ये स्टूडेंट है, टीचर्स का डर लेके बैठे होते हैं, इनका डर कैसे हम लेके दूर सवाल कहें शिक्षा में हो रहा है लोगों का डर कैसे खत्म किया यार, इसका जवाब मैंने दिया नहीं तकरीबन, जवाब ही नहीं मिला। तूने तलाश किया इस सवाल का, तेरी अब पोस्टमार्टम होने लगा। तूने वाकई इस सवाल का तलाश किया या सिर्फ इधर मुंह से निकल गया? दो किस्म के डर होते हैं बेटा, एक वो डर होता है जो बनाया हुआ होता है और होता नहीं। मैं बनाए हुए डर की बात मैं गल कर ला। एक वो डर होता है जो डर नहीं होता मगर उसकी मार्केट आपने गर्म की, तो फजूल का बोझ है, इसको दो तरीके से हैंडल कर सकते। एक वो डर है जो जेन्युइन डर है और वो डर हमेशा इंसान में हुसन पैदा करेगा। एक डर हुसन पैदा करता है और एक डर इंसान में बहुत ज़्यादा मगलूबियत और ग़ुलामी पैदा करता है। तो वो जो फजूल का डर है ना, उसको सॉल्व करने का सबसे बड़ा तरीक़ेकार है कि उस डर से उसका सामना करवा दो। सिंपल, जब वो बार बार उस बला के पास जाएगा ना, तो उसका जो फियर ऑफ अननोन फैक्टर है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। हम मोहम्मद बिन कासिम क्यों नहीं बन सकते? एक देखें, थोड़ा सा टेक्निकल मसला ये है, मैं अपनी कौम को यह समझाऊंगा, आई टेल देम, ये 2 मिनट में बोस्निया, 3 मिनट में यमन, 4 मिनट में कुस्तुनतुनी। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 सालों में सिर्फ 2 शहर फतह किए, लेकिन आपने 23 साल लगा के एक ऐसी ब्रास तैयार की जिन्होंने सेकेंडों में जाके पूरी दुनिया। मैं कहता हूँ एक तैयार कर, अकीदे की भी किताब में लिखा है, आप किसी का अकीदा और माइंडसेट ठीक कर दें, खैर मिन हुमर नान, वो 100 सुर्ख ऊँटों की कीमत से बढ़े। मैं इस कौम में, तो आपको हज़ार इब्ने कासिम थोड़ी, एक चाहिए आपको। मैं, लोग कहते हैं ना इस दूसरा शेख हाथों बनाया आपने, मेरी 16 साल की स्टडी में 4 मुंडे ऐसे हैं जिन्हें मुझे लगता है कि मेरी गद्दी में बैठ जाएंगे फिर कभी, और मैंने अपनी गद्दी 38 साल की उम्र में दे दी थी कि आप तुसी संभालो, तो दोनों में सब कुछ दे देता है। ये भी इखलास की निशानी होनी चाहिए कि आने दें, ये इख्तियार करें, हम भी तो किसी का पौधा है ना। तो आप गए मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन आप वो तो देखें कि 36 साल तो पहले काटे कारे रह में जाने तक, फिर देखेंगे कि किसी में दम है, फिर ये दोनों से काम बनती है, इखलास से बनती है। हमारे एक उस्ताद हमें फैसलाबाद में मारते थे ना पढ़ाते हुए सत्याना बंगले में, तो अंदर जाके रो रहे होते थे मौलाना अतीकुल्लाह साहब, टेढ़ी वो सिखा नहीं सकता किसी। हम BBA करके आए हुए हैं, बैचलर्स इन बर्बाद एडमिनिस्ट्रेशन। हम एक बर्बाद आदमी थे और बहुत बर्बाद किया, इसलिए हम आबाद कर सकते हैं कुछ। तो जिन लोगों का तजर्बा नहीं है, तासीर उनमें नहीं मिलेगी आपको, पता चल जाएगा ये कॉपी पेस्ट चल रहे हैं। आपने मेरी बातें सुनी, आप मंजे पे लोग हैं, आपका नाम भी अरबाब है और अरबाबों के बड़े, तो ये लोग बड़े काबिल बैठे होते हैं, उन्हें आवाज़ सुन के पता चल जाता है कितने कद का आदमी है, तो वो तासीर नहीं मिलेगी कभी उनको। मेरी एडवाइस यही है कि कुछ बनाओ, और वो मतलब इतना अंडरस्टूड बात है, लोग कबूल भी नहीं करेंगे। देखिए मैंने KP से कराची तक ना बहुत एहतराम देखा है और मैंने बहुत प्यार देखा है अपनी कौम में। इस सियासत की गंध में लोग हमें गालियाँ निकाले ना, ये हमारी शान के बहुत खिलाफ है अरबाब, हमारे लिए ना इज्जत बहुत बड़ी चीज है। मैं आपका खाना छोड़ के चला, कहते ना आई डोंट डाइन एट द टेबल वेयर रिस्पेक्ट इज नॉट सर्व्ड, मैं उस टेबल पे खाना नहीं खाता जहाँ मुझे इज्जत नहीं मिली। और ज़िंदगी के सबसे बड़े जुमले ही वो होते हैं जो आदमी अपनी बीवी को कहता है, उठ जाए थे मेरी इज्जत नहीं, चल चलिए। तो ये बड़े जुमले हैं हमारी बेगम, और हम तो बहुत जगहों से चले गए। तो अभी पिछले दिनों एक जगह पर निजी महफिल में ये सवाल मुझसे किसी ने, मैंने कहा हमने अपने बड़ों से अपनी जागीर का हक नहीं मांगा अपनी मैं के पीछे, आप कहते हैं वोट मांगे आपके इलाके में, तो शेख आतिफ तो मर जाएगा उस टाइम, अपनी दौलत छोड़ दे, ऐसे ही शख्स तो माशरे को लीड कर सकता है। तो हम जाके लोगों से जलसे में कहें हम पानी देंगे,
हम बिजली देंगे, हम गैस देंगे, हम कैसे करेंगे अरबाब भाई? और अगर मैं नहीं कर सका और आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी, आपके इलाके के एसी ने हमें रोक दिया, डीसी ने रोक दिया, किसी कर्नल का फोन आ गया, हजरत का फोन आ गया, आपको क्या लगता है कि हम ना कर, आप, आपको लगता है मैं हाँ में हाँ कर सकूँ? आपने मेरा मिजाज नहीं देखा, मैं नहीं ना कर सक, मैं हाँ में हाँ नहीं कर, मैं आपने कभी देखा है मैं यूँ बैठा, मैं सिर्फ उलमा के आगे यूँ बैठता हूँ, मैं अपने से बड़े और अपने बराबर के और अपने इल्म की दुनिया के शहर सवारों के आगे झुकता हूँ, तो वो मुझे जूते के नीचे रखेगा कोई? आप मुझे बाउंड, मैं कल को बोलूँगा चलो जी पाजन रशिया से ललकार है ये साड़ी, आपकी मफामत आ जाएगी, हम एब्सोल्यूट नॉट कहेंगे मसला हो जाएगा, हम एब्सोल्यूट यस कहेंगे तो भी मसला हो जाएगा, और सबसे बड़ा मेरा मसला इल्मी मसला क्या है? मेरी एक वक्त था इनकी उम्रों के अंदर, मैं फतवे लगाता था दो टोक कुफर और ईमान के, मेरा एब्सोल्यूट इल्म था एक टाइम, मेरे लिए लोगों को खैर और शर में, प्लस और माइनस में डालना ब्लैक एंड वाइट में बहुत आसान था। आज 43 साल 42 का मैं होने वाला हूँ, मेरे इल्म का बवाल ही यही है, मुझे हर आदमी में एब्सोल्यूट ईविल नहीं दिखता, ये मेरा मसला हो गया। इस पर मैंने अभी एक किताब भी अरबी में पढ़ी है कि महज़ शर कोई शय नहीं होती, कोई शख्स एब्सोल्यूट ईविल नहीं हो सकता। आपकी सियासत के अंदर दूसरे को एब्सोल्यूट काफर साबित किए बगैर आप अपनी सियासत कैसे करेंगे? तालाब में इस मछली ने तालाब में ये मछली क्या करेगी? जब मैं आके कहूँगा कि जी पीटीआई के अंदर भी कोई खैर हैगी है, तो नूम के अंदर भी कोई खैर हैगी है, तो जरदारी साहब से भी कोई खैर हैगी है, तुसी ते मैनू चीर दोगे जिहड़ा तुसी शाह साहब दा हाल कीता इस टाइम ते हमारे जैसे आदमी। हाँ, हम सियासत के लिए लीडर्स तैयार कर रहे हैं और बहुत बच्चे हैं मेरे सियासत में, मेरे बहुत शागिर्द हैं जो इस फील्ड में बहुत आगे, तो अगर आपको लगता है मेरी शान के मुताबिक कि मैं ओहदा मांगूंगा तो शरीयत में ओहदा नॉमिनेट हो जाए किसी की तरफ से तो लिया जा सकता है, खुद को नॉमिनेट कराना ये इस्लाम के भी खिलाफ, मैं नॉमिनेट कराऊँ मैं इस इलाके का सबसे काबिल आदमी हूँ, इतना कद नहीं है मेरा। बाकी ये भी यू टर्न हो सकती है बात, देखी जाएगी इंशाल्लाह ताला। बाकी अभी तो मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिहाज से मेरा ये सदका जारी है बहुत है, मैं जहाँ पाकिस्तान टूटा हुआ है मैं वहाँ टेंशन लगाने और टांके लगाने पहुँच जाता हूँ, ये मैं बड़ी खिदमत कर रहा हूँ और इसमें अल्लाह ने बहुत इज्जत नाम दिया।